Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. We are at the Singhu border where the farmers' protest is in its 28th day. The protests have intensified, and as you can see, there is no bar or religion. All religions have come together to support the farmers. And today, as you can see, we've got the Muslim community actually helping the farmers here. Sir, आपका नाम बताएंगे? Advocate Mubeen Farooqi. आप कहाँ से हैं? मलेर कोटला पंजाब से. पंजाब से है. तो आप यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं? मैं तो पहले दिन से ही साथ ही आया था यहाँ पे जिस दिन मोर्चा लगा था, और उसके बाद हमने फिर सोचा कि जब यहाँ पे पक्का पड़ाव लगा लिया था किसानों की तरफ से, तो हमने सोचा कि इनके लिए हम यहाँ पे जर्दा पुलाव, ये मीठे चावल ये खुश होकर खाते हैं काफ़ी, तो किसान भाइयों के लिए हमने यहाँ पे जर्दा पुलाव का अरेंजमेंट किया था। तो तब से लगातार ही हम यहाँ पे रोज़ ये यहीं पे आ गए थे हम, और रोज़ हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं जर्दा और पुलाव। तो आप कितने दिनों से ये कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो डे वन से यहीं पे हूँ। 27 तारीख को आई थिंक यहाँ पे लगा था जो पक्का मोर्चा था, तो तब से ही यहीं पे डटे हुए हैं। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कम्युनिटी? ये सारे हम सोच रहे थे मलेरकोटला, जो वैसे भी उसको हादानारा की धरती कहा जाता है, कि जहाँ से नवाब शेर मोहम्मद खान जी ने जब गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को शहीद करने के लिए सरहंद के नवाब की तरफ से हुक्म जारी किया गया था, तो उस वक्त वहाँ पर जो नवाब थे, नवाब शेर मोहम्मद खान साहब, उनकी तरफ से जो औरंगज़ेब को एक लेटर लिखा गया था कि आपके जो सरहिंद के नवाब हैं कि वो बहुत अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, जो कि इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। उन्होंने लिखा था उसमें कि इस्लाम हमें कभी इजाज़त नहीं देता कि हम पिता का बदला बच्चों से लें, ये गैर इस्लामिक है, उसको हादानारा बोलते हैं। तो वो जो हमारी सांझ है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे ही चलती आ रही है, और आज भी हम वहाँ से एक हादानारा मारने के लिए अपने भाइयों के लिए, यहाँ पर किसान भाइयों के लिए लगातार हम डटे हुए हैं। जब तक ये आंदोलन चलेगा तो हम इंशाल्लाह यहाँ पर उनके लिए ये मीठे चावलों का और जर्दा पुलाव का जो लंगर है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। तब तक जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा तब तक जी इंशाल्लाह ये जारी रहेगा, और हम ये भी मीडिया से भी ये अनुरोध करते हैं कि जैसे जो यहाँ पे रियलिटी है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे, जो कि संविधान हमें इजाज़त देता है, किसानों को भी इजाज़त है, सारे यहाँ देश के नागरिक हैं, तो उनको ये जानबूझ के कभी किसी मूवमेंट से जोड़ रहे हैं, कभी किसी मूवमेंट से जोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप यहाँ पर आएँ, जैसे आप अभी यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की जो सच्चाई है, रियलिटी, वो आगे आनी चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर जो नेशनल मीडिया में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ के एंटी नेशनल बंदे हैं, नॉर्मल नक्सल, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, हमें तो पता चल रहा है जो, और ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे जो किसान नहीं भी हैं, जो उनकी सपोर्ट करें, जिनको ये बात में समझ में आ रही है कि कल को अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर ही घास गिरनी है, इसकी किसान जो लड़ रहे हैं हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, ये अनाज उगाते हैं, ये सफिशेंट अनाज उगाते हैं, इनकी महंगी नहीं सस्ती बिक जाएगी फसल, ये नहीं इनको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, या जो गरीब आदमी बेचारा सुबह से अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी ढूंढने के लिए निकलता है, दिहाड़ी करता है, उसके जो रात को उसको चार रोटी मिलती हैं वो एक रोटी रह जाएगी, अगर आज लोग इसमें शामिल ना हुए और हमने इसको सपोर्ट ना किया। बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट, मैं वकील हूँ बाय प्रोफेशन, मगर जब भी कोई ऐसी रहा नहीं गया, जब पहले दिन हमने देखा वहाँ पे जो हाल था, बैरिकेड्स लगा के इन्होंने वाटर कैनन यूज़ की, उसके बाद उन्होंने टीयर गैस के वो जो इनके ऊपर मारे, तो वो चीज़ें देख के अंदर से रहा नहीं गया, तो फिर ये हुआ कि यार कि हमें जाना चाहिए, किसान भाइयों की हमें मदद करनी चाहिए, इस वजह से हम आए हुए हैं। और जो भी जितनी भी खुश नसीब हम अपने आप को समझते हैं कि ऊपर वाले ने हमें इनकी खिदमत, जो अन्नदाता सारी दुनिया का पेट भरता है, आज हमें उनकी खिदमत करने का छोटा सा मौका मिला है, ये हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। So as you can see that all the communities have come together and are now supporting the farmers in their protests.